तो प्रभात, इतने सालों से आप लिखते आ रहे हैं, अभी जो कहानियाँ आ रही हैं बच्चों के लिए, क्या उसमें आपको कोई बदलाव दिख रहे हैं? और जो बाल साहित्य का क्षेत्र है उसमें भी क्या कुछ बदलाव आए हैं, और क्या लगता है? पिछले 10-11 साल में काफ़ी बदलाव हिंदी के बाल साहित्य में आए हैं। हिंदी के बच्चों के साहित्य को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता था, और जो बड़ों के लिए लिखने वाले हैं लेखक, वो लोग बच्चों के लिए नहीं लिखते थे। केवल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को छोड़ के और कोई लेखक कवि नहीं है जो बड़ों के लिए और बच्चों दोनों के लिए लिखते रहे हों। तो हिंदी में परंपरा नहीं रही। केवल रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्ला में लिखा, हिंदी में ऐसा नहीं रहा। प्रेमचंद बड़े लेखक हुए हैं, लेकिन उनकी भी हम कुछ कहानियाँ चुन के और बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो वो बात है। अभी पिछले 10-15 साल में ये सुशील शुक्ल ने ये काफ़ी प्रयास किए और हिंदी के बड़े लेखकों को जोड़ा, और उससे काफ़ी बच्चों के लिए साहित्य निकल के आया। जैसे विनोद कुमार शुक्ल ने 2 उपन्यास लिखे, प्रियंवद ने उपन्यास लिखा, और सत्यु ने तो हालांकि अनारको के 8 दिन पहले लिख दिया था, लेकिन और बहुत सारे लेखकों का, अस्कर वजाहत को जोड़ा, स्वयं प्रकाश को जोड़ा, तो वो एक तरह से वो साहित्य हिंदी की मुख्य धारा के लेखकों के द्वारा आया। तो एक तो वो एक गंभीरता बनी। दूसरा, अनुवाद के जरिए बहुत सारा साहित्य हिंदी में आया, जैसे आप कांत अग्रेवा की कहानियाँ भेड़िए को दुष्ट क्यों कहते हैं, या बरास्ता तरबूज, या पहाड़ जिसे चिड़िया से प्यार हुआ। तो एकलव्य वगैरह संस्थाओं ने अनुवाद के जरिए बहुत अच्छा साहित्य लेके आए। फिर इलस्ट्रेशन में आप लोगों ने रियाज एकेडमी के जरिए बहुत काम किया, और उसको उसके जरिए फिर ये अतनु राय और जैसे प्रिया कुरियन खुद हैं, और तमाम तापसी घोषाल हैं, सुजासा दासगुप्ता हैं, ये तमाम लोग जो बहुत बेहतरीन इलस्ट्रेटर हैं देश के, वो बच्चों के लिए हिंदी की किताबों के लिए भी चित्र बनाने लगे। तो ये भी एक अपने आप में बड़ा परिवर्तन है। दूसरा, पराग मैगजीन के बाद में एक बहुत बड़ा गैप हिंदी के बाल साहित्य में मैगजीन के क्षेत्र में दिखाई देता है। तो चकमक निकली, और चकमक के बाद में अब साइकिल और प्लूटो, ये बहुत अच्छी मैगजीन्स हैं जो हिंदी में बहुत अच्छे से अब निकल रही हैं। तो इस तरह से बहुत सारे परिवर्तन आप अनुवाद में, इलस्ट्रेशन में और किताबों में देख सकते हैं। वरुण ग्रोवर का एक संग्रह आया पेपर चोर, प्रियंवद का मिट्टी की गाड़ी कहानी संग्रह है, वो कमाल की कहानी है। तो और ऐसे विषय जैसे पार्टीशन जैसा विषय जिस पे नीना सबनानी की मुकुंद और रियाज किताब भी है, लेकिन वरुण ग्रोवर की हरिया विचित्र या रेडियो जैसी कहानियाँ अद्भुत कहानियाँ हैं। तो इस तरह से बच्चों के साहित्य में बहुत बड़े परिवर्तन आप देख सकते हैं। तो एक तो आपने कहा जो कंटेंट, जो कंटेंट लिख रहे हैं उस पे, उसमें बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन जो ले रहे हैं जैसे बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, क्या उसमें भी आपको लग रहा है कि कुछ बदलाव है? हाँ, उसमें ऐसे मेरा कोई वैसे अध्ययन तो नहीं है, लेकिन ये जो पत्रिकाएं पहुंचती हैं और इनके जरिए जो साहित्य पहुंचता है वो, और दूसरा जो पराग जो काम कर रहा है कि हर साल इतने सारे लाइब्रेरी एजुकेटर्स को तैयार करते हैं और वो इंटीरियर में जाके, भारत के दूर देहातों में जाके, और बच्चों के साहित्य को प्रमोट कर रहे हैं, लाइब्रेरी चला रहे हैं, कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से लाइब्रेरी चलाने लगे, तो इससे एक बहुत बड़ा काम संभव हुआ है। जैसे मैंने कभी जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया था आपको कि यूपी के एक लेखक है, तराई के वो शिक्षक हैं, तराई के इलाके में वो अपना पुस्तकालय चला रहे हैं, और वहाँ कैसे वो बच्चों के साथ वो सब काम करवा रहे हैं जो कि बच्चों में एक रीडरशिप के डेवलपमेंट के लिए होने चाहिए। तो किताबों को कैसे उनके चित्रों पे बात करना, उनके कंटेंट पे बात करना, और कैसे एक पाठक तैयार करना, तो वो एक माहौल भी ये लाइब्रेरी के इस कोर्स से बना है, तो वो एक बड़ा काम दिखाई देता है। जी जी, सिमिलरली प्रिया, इन इलस्ट्रेशंस डू यू फील दैट यू नो whether there has been change in the kind of content that is coming out, and second in terms of response to literature and to books, has there been any shift? Yes, I think there's been in both. There's been quite a shift
when it comes to content, I remember that in the beginning when I just started illustrating for books, there were a lot of questions about what is Indian identity and you know things like that, and a lot of did folk tales mean you know Indian identity? So there was a lot of retelling of folk tales in using the folk art style when it came to picture books, and slowly I think there's been the idea of Indian identity has started to include more stories about lived realities. So you see more of that now, and diverse stories, more of diverse stories now, and stories that you know, stories about different kinds of people. There are. And I think a lot of independent publishers have become much braver in their choices of what to publish. So there are publishers like Duckbill Books, Pratham, Zuban Books. So they include, they have stories of people from different stratas of society and representation of characters in these stories has, I think, evolved. So you do have stories about LGBTQ people, and so there's more inclusion. Mm-hmm. There's a more conscious, thought into the kinds of stories that one sees. Also, there are. There are a lot of literary fests. There are individuals who have, you know, made a big change in the way that books are brought to introduced to parents and teachers. Like, for example, the Bookaroo Lit Fest. I think it's been 10 years, a little more than 10 years since it started. Yes. So the work that say Swati and you know Venkatesh have done over these 10 years has really brought the conversation about children's books there's more conversation about children's books because of that. Right. Then there's a lot of online reading groups where books are discussed. So I think all of this has kind of change the landscape a bit. Also, lots of library programs, which they're not enough, but it's you know, a beginning. A good beginning, because I think that makes books more accessible, and you need diverse readers, diverse creators of books. And libraries can kind of, you know, bring that about, and libraries and the access to books. So I think these things have changed. Again, a long way to go, but I think it's some giant leaps have been taken since, say, 10 years back. Mm. Yeah.